जयपुर से झालावाड़ रोडवेज डिपो के एक दिवसीय दौरे पर आए कोटा संभाग प्रभारी मनोज बंसल को रोडवेज संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी ने झालावाड़ डिपो में चल रही अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पदाधिकारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम हेतु विकल्प पत्र नहीं लिए जाने के संदर्भ में अवगत कराते हुए विकल्प पत्र लेने की कार्यवाही करने, बस सारथी योजना झालावाड़ में पुनः चालू करने, बस स्टैंड परिसर में बुकिंग विंडो पर अन्य व्यक्ति द्वारा यात्रियों को टिकट वितरित करने, परिचालकों के साथ स्टैंपनी परिचालकों द्वारा कार्य करते हुए निगम राजस्व को हानि पहुंचाने, जिन चालकों को ईटीएम मशीन चलाना नहीं आता उन चालकों से परिचालक का कार्य लिया जा रहा है जिसके कारण स्टैंपनी प्रथा पनप रही है, उसे बंद करने, झालावाड़ डिपो से अन्य डिपो में स्थानांतरित किए जाने, सभी शेड्यूल को वापस झालावाड़ डिपो में लाने के लिए ज्ञापन दिया। हमारे रिपोर्टर के सवालों का जवाब देते हुए संभाग प्रभारी ने डिपो में चल रही अनियमितताओं को जल्द से जल्द दूर करने, बस सारथी योजना पुनः चालू करने, सभी शेड्यूल जल्द से जल्द वापस लाने, स्टैंपनी चालकों पर अंकुश लगाने, बस साथियों की नियुक्ति के बाद चालकों से चालकों का ही कार्य लिए जाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में मजदूर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद शफीक खान, क्षेत्रीय सचिव राजकुमार जैन, रिटायर्ड संगठन क्षेत्रीय सचिव चित्रकला श्रांगी, संभागीय उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ ब्रजराज दुबे, शाखा अध्यक्ष रिटायर्ड संगठन लियाकत खान मौजूद। समाज के लिए अच्छा कर्म करना चाहिए, जल पानी सबको होना चाहिए। परदेशी आते हैं इस जगह पर जल पानी पीने के लिए, उससे बीमार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। साफ पानी नहीं मिल रहा है, बस स्टैंड पर गंदगी फैली हुई है, देख लें गंदगी फैली। सर, झालावाड़ रोडवेज जो है यहाँ पर स्टेपनी प्रथा बहुत है, और ये स्टेपनी प्रथा गाड़ियों पर ही नहीं है, बुकिंगों पर भी लगी हुई है, जबकि चीफ मैनेजर साहब जो है यहाँ और बैठे रहते हैं और उनके नीचे ही हुई स्टेपनियाँ काम करते रहती हैं, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया है कि यहाँ पे स्टेपनी है, दो दिन में यहाँ पे चेकिंग में ही था, सो या तो पता नहीं संयोग बस या कैसे भी, तो दो दिन बिल्कुल कोई भी स्टेपनी में ट्रेस नहीं कर पाया। जैसा कि आपने कहा है कि यहाँ पे स्टेपनी है, तो अभी और चेक करवा लेंगे, यदि स्टेपनी है तो ये कंफर्म है कि किसी भी तरह की स्टेपनी प्रथा यहाँ पर चालू नहीं रहेगी। जिन जिन व्यक्तियों को यहाँ पर गाड़ी ठेके पे दी जा रही है, उनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, उनके ऊपर कोई अपराध है या क्या है, जिसकी जानकारी ली जाती है क्या पहले यहाँ, क्योंकि कई अपराधी भी यहाँ पर गाड़ियों पर चल रहे हैं अभी भी। बस सारथी स्कीम जो अपनी 2023 है, जो लेटेस्ट है, उसमें जितने भी नियम हैं वो सारे नियम यहाँ पर प्रभावी किए जाएंगे, उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो या पुलिस वेरिफिकेशन के अलावा उनका चरित्र प्रमाण पत्र या फिर जितने भी उस अपने राजस्थान रोडवेज ने की स्कीम बनाई हुई है, जिसको बस सारथी योजना 2023 की है, उसके समस्त बिंदुओं का फुलफिलमेंट। सर, ये बस सारथी योजना यहाँ पर क्यों बंद की गई है? क्योंकि सभी जगह चल रही है और वो ज़्यादा आमदनी दे रहे थे रोडवेज को, जबकि जो परमानेंट जो कंडक्टर चल रहे हैं वो पूरी आमदनी नहीं दे पाते, उन्होंने फिक्स कर रखा है कि इतना ही हमें टारगेट जमा करना है, कई शेड्यूल बंद हो चुके हैं यहाँ पर, तो क्या ये सिर्फ घाटा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है रोडवेज को, या किसी की साजिश है, यहाँ क्या चल रहा है? ये मुख्यालय से 10 बस सारथी की यहाँ पे परमिशन दी हुई है जी, 10 बस सारथी को आज कमेटी में, जिसमें जोनल मैनेजर और तीनों चीफ मैनेजर मेंबर हैं, बेस्ड ऑन दैट उसी के बेसिस पर डिसीजन लेके रूट खोले जा रहे हैं, और 10 बस सारथी आज एक दो दिन में जल्दी दी है। शेड्यूल यहाँ से गए हुए हैं उनके लिए क्या है सर? वो सेकंड फेज की बात है, एक बार जो यहाँ के शेड्यूल सस्पेंडेड पड़े हुए हैं, सर्वप्रथम प्राथमिकता उन शेड्यूल्स को चलाने की होगी, उसके बाद उन पर विचार। एक यहाँ पर सब सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, रात के टाइम पे यहाँ बिल्कुल अंधेरा रहता है, उसकी वीडियो मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, अब वो शायद होटल वालों से मिलके हो या किसी से भी मिलके हो, क्या है पानी के जो कूलर हैं वो ठंडी पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं मिल रही है, साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ के इतने बड़े बस स्टैंड होने के बावजूद भी यहाँ नहीं मिल पा रही है। सफाई की व्यवस्था के लिए पानी और जो भी जन सुविधाएं हैं उनके लिए निर्देशित किया गया है, इसके द्वारा मेरे द्वारा भी पूरा निरीक्षण किया जाएगा, और जो भी कमियां पाई जाएंगी उसके लिए झालावाड़ मुख्य प्रबंधक, ये जिला मुख्यालय का बस स्टैंड है, उसके बावजूद भी यहाँ पे ना शौचालय की व्यवस्था है, शौचालय बिल्कुल खराब पड़ा हुआ है, तो अगर गंदगी है तो अधिकारियों को, आला अधिकारियों को उनको कहना चाहिए ना कि जल्दी से जल्दी इनको ठीक किया जाए, उसके लिए निर्देशित कर दिया गया है, और शीघ्र ही मुख्य प्रबंधक से उम्मीद है कि वो जल्दी ही इस दिशा में कार्य करेंगे, सारी व्यवस्था। शेड्यूल के बारे में और थोड़ी जानकारी देंगे, शेड्यूल कब से लागू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कई बसें का शेड्यूल चले गए हैं, तो उसके लिए क्या है? अभी जल्दी ही एक दो दिन में यहाँ 10 बस साथ ले रहे हैं, जो मुख्यालय के द्वारा परमिशन है,
दस बस सारथी चालू होते हैं, हम उम्मीद है कि हम 8-10 नए शेड्यूल चालू कर पाएंगे और धीरे धीरे झालावाड़ को हम पूरा उसी फॉर्मेट में लाने का प्रयास करेंगे, जिससे यहाँ पर सारी गतिविधियाँ और सारे शेड्यूल नॉर्मल संचालित हो सके। आज हम मौजूद हैं झालावाड़ राजस्थान रोडवेज बस स्टैंड पर, जहाँ पर असुविधाओं का बोलबाला है। यहाँ पर रात्रि में लाइटों की कोई व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं, अंधेरा हो रहता है, जिससे जो यहाँ पर यात्री हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं पानी की जो व्यवस्था है, यहाँ पर ठंडे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और जो टंकी बनी हुई है उसमें भी गंदगी का अडंबर लगा हुआ है, कंजी छाई हुई है और बदबूदार पानी यहाँ पर जो है यात्री हैं उनको पीने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर झालावाड़ में राजस्थान में कहीं भी नहीं है इतनी यहाँ पर स्टेपनी प्रथा चलती है। यहाँ पर कंडक्टर और ड्राइवर उन्होंने अपने अपने साथ एक एक स्टेपनी रख रखी है। ज़्यादातर रात में जो रोडवेज की बसें दूसरे गाँवों में नाइट स्टे करती हैं, वहाँ पर भी स्टेपनी ही जाती हैं। और यहाँ के हमने कई बार यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको चेताया है कि यहाँ पर गंदगी फैली हुई है या पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट बिल्कुल ख़राब हुए हुए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। इसको लेकर के आज एक उच्च अधिकारी जो कोटा संभाग के प्रभारी हैं वो यहाँ पर आए थे, हमने उनसे भी बात की है, जायज़ा लिया, उन्होंने कहा है कि हम जायज़ा लेकर के इस पर जल्द से जल्द इस पर जो भी निदान होगा इस काम का वो हम करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के लिए आसिफ शेरवानी की रिपोर्ट।